ज़्यादा सही है। आवाज आ रही है मेरी आपको तुषार एंड अनुष्का? यस सर, आ रही है। ठीक है, ओके, बढ़िया ना। तुम दोनों कैमरा ऑन करके बैठो, आप दोनों बिल्कुल। अनुष्का, तुम्हारा प्री बोर्ड आ जाए क्या, मतलब कब है? नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा 18th। तो कितनी मतलब कौन कौन सी क्लासेस मिस करोगी तुम? मतलब अभी बता नहीं सकती, लाइक जब इम्पोर्टेंट पेपर्स होंगे तब एक दो एक मिस करूंगी, पर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है ठीक है। हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? जो टॉपिक हमारा रह रहा था उसको कंप्लीट कर लेता एनसी में। तुम्हें कुछ पूछना है तो सर पिछले लेक्चर में, कोई भी डाउट हो कहीं पे भी? सर सर क्वेश्चन फर्स्ट प्रीवियस ईयर वाले का क्वेश्चन, अच्छा, उसके अलावा? अच्छा, सेकंड सर उसके अलावा? क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्थ छोड़ो यार, क्या है? इतने सारे क्वेश्चन पूछोगे? ठीक सर, आ ही नहीं रहे। क्वेश्चन फर्स्ट वाला तो मैंने बताया था ना कि करेक्शन है। आई नहीं आ रहा सर, आयो सर नहीं आ रहा करेक्शन करने के बाद। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। एक अच्छा, बता रहा हूँ मैं वाला, बाकी तो मैं एक बार दोबारा से ट्राई कर लो। इसका हम डिस्कशन किसी और दिन कर लेंगे, अभी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। अनुष्का, आप लास्ट लेक्चर में आई थी ना, हम लोग अभी शीट का डिस्कशन कर रहे हैं। कल नहीं आई थी सर। अच्छा, नहीं मतलब शीट तुम्हें मिल गया? तो सर आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? ठीक यस सर, आ रही है। है ठीक है, मेरी मेरी भी तुम्हें आ रही है ना। जैसे एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरी पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। हाँ, तो बहुत दिन से रह रहे हैं, क्योंकि तो इसके डाउट से तो मेरे ख्याल से और भी नीडेड रहेंगे तुम्हें, तो वो हम लोग रख लेंगे। और जो वीकेंड में पेपर हुआ था उसको भी डिस्कशन का हमें रखना है, तो आप बताओ कब रखें, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हो तो। क्वेश्चन है ये, हाँ मैंने कनेक्शन करवाया था ना, क्यूब भी है यहाँ पे। इसको नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, एनसीआर प्लस ये हो जाएगा 20+1 CR। एनसीआर माइनस वन क्या हो गया, n+1 CR। ये क्या हो जाएगा, 20+1 CI, और ये 20 CI-1 का होल क्यूब, करेक्ट है ना? वो होल क्यूब है वहां पे, ठीक है ना? करेक्शन एक छोटा सा करवाया था मैंने। होल क्यूब नहीं भी लिखोगे तो भी आंसर आएगा, पर वो ई पार्ट आएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है? अब इसको एक बार सॉल्व यस सर। करके 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 21 माइनस i फैक्टोरियल इंटू आई माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 21 माइनस i फैक्टोरियल इंटू आई फैक्टोरियल, करेक्ट है ना? इसका ये कट जाएगा पूरा पूरा पोर्शन, और ये पोर्शन इससे कटेगा तो सिर्फ i छोड़ेगा, ये पोर्शन इससे कटेगा तो सिर्फ 21 छोड़ेगा, तो i अपॉन 21 का क्यूब, और सिग्मा कहां तक है, 1 से 20, तो ये 1/21 क्यूब तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ गया, सिग्मा आई क्यूब। सिग्मा आई क्यूब का फॉर्मूला याद है आपको? सिग्मा आई क्यूब का फॉर्मूला याद एन 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 बाय टू का एन एन प्लस वन बाई टू हाँ होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर, करेक्ट है। कितना आ जाएगा,
ये आ गया 100 इनटू 21 का स्क्वायर और ये डिवाइड बाय 21 का क्यूब है, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं 100 अपॉन 21 और इक्वल टू k अपॉन 21 दिया हुआ है। k कितना आ जाएगा बताओ, k इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्लियर है तुझे? यस सर। नाउ नेक्स्ट वाला मैं क्लास में करवाऊंगा, लास्ट में पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। थर्ड वाला जो है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 व्हिच कैन बी फॉर्मड बाय यूजिंग द डिजिट्स, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट जो है वो अलाउड है। ये वाला ट्राई करो इधर सारे लोग। इसमें टू डिजिट भी बन सकते हैं। तीन भी बन जाएंगे, चार भी बन जाएंगे, चार में 7000 से लेस होना चाहिए बस। ए आएगा आंसर सर। कर लिया तो क्यों पूछ लो? ये वाला तो नहीं पूछा ना सर। क्वेश्चन फिफ्थ। ओ ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ में क्या पूछा है? देयर आर एम मेन एंड टू वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन अ चेस टूर्नामेंट। ठीक है, ईच पार्टिसिपेंट प्लेज टू गेम्स विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट। ठीक है, the number of the games played by the men between themselves exceeds the number of the games between the men and the women by 84. Then the value of the mother m men hai hamare paas aur 2 women ऐसा करके सोचो ना सर, आप अपन दो गेम खेलेंगे ना ये, हां इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। हां इफ द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय द मेन बिटवीन देमसेल्फ, तो मेन मेन आपस में कितने गेम खेल सकता है? गेम्स प्लेड बाय एम मेन कितने बनेंगे? एम माइनस हर एक कोई बंदा दूसरे वाले के साथ गेम खेल सकता है। जब हम एक को लेंगे तो वो अपने से m माइनस बंदा खेल सकता है, फिर दूसरे को लेंगे वो भी तो उससे भी खेलेगा, तो डिवाइड बाय 2 तो इसलिए कर देते क्योंकि दो बार आता था, इसमें तो दो बार कंसीडर करना ही है। बिल्कुल ठीक है ना कि हर एक जो यहाँ पे मैन है वो दूसरे के साथ गेम खेल सकता है, तो पहले मैन के करस्पॉन्डिंग कितने गेम हो सकते हैं? m माइनस 1, दूसरे के भी करस्पॉन्डिंग m माइनस 1, तो टोटल गेम कितने बनेंगे? m माइनस 1 बनेंगे। क्लियर है ना ये चीज? और वोमेन कितने गेम खेल सकते हैं आपस में? नहीं, मैन एंड वोमेन बोला है, द नंबर ऑफ गेम प्लेड बिटवीन द मैन एंड द वोमेन सेकंड टू पार्ट है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम प्लस वन, एम प्लस टू, कितना हो जाएंगे? एम प्लस टू। एम प्लस टू क्यों होगा? एम आदमी है और वुमेन दो है, मैन और वुमेन के बीच। हाँ वही तो बोला है, बिटवीन देम लाइक बिटवीन मैन एंड वुमेन सेकंड गेम ये है, इन दोनों का फिर माइनस करोगे तब 84 आ रहा है। तो इसमें हर एक वुमेन के लिए एम पार्टिसिपेंट्स है, हाँ, और एम के लिए दो वुमेन, हाँ मतलब एम में से एक आदमी ले लो और दो में से एक वुमेन ले लो, ये गेम हो गए। खेलने के लिए दो ही लोग तो खेलेंगे ना गेम? हाँ दो मैच है, ठीक है। MC1 हमने एक मैच खेलने के लिए ये ले लिया, दूसरा मैच खेलने के लिए हमारे पास क्या है? M माइनस, वो बंदा खेल नहीं सकता ना दोबारा, पहले अगर हम मैन को कंसीडर करें तो हर एक वुमेन के लिए कितने मैन गेम खेल सकते हैं? हर एक वुमेन के लिए मैन खेल सकते हैं, एम खेल सकते हैं, तो दो वुमेन है तो 2m हो गया। अब अगर हम वुमेन को अगर मैन को कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू वुमेन, तो हर एक मैन के लिए कितनी वुमेन्स है? दो, तो हर एम मैन के लिए कितनी वुमेन्स हो जाएंगी? दो 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 दो
ऐसे करके पूरे मैचेस हो जाएंगे इसके, मतलब इनटू टू। यस क्योंकि ये तो एक मैच हो गया, अब इनमें दोबारा दोबारा मैच भी तो कराने होंगे। हाँ तो प्लस ऐसा कर लेना, प्लस कर लेना। यस सर। प्लस जो एम है वो वापस कोई दो वुमेन के साथ खेलेंगे, क्या देगा 4m। एक बार निकाल के देखो कितना है, m into दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज 84 दिया हुआ है। बारह हो जाएगा। सही है। इसमें मतलब वो बोला नहीं गया उसने कि जो लोग मैच खेल लिए हैं वो दोबारा नहीं खेल सकते, वो दोबारा भी खेल सकता, ठीक है ना, क्लियर है ना। ए तो शायद यस सर, ये पीएनसी करने के बाद दिमाग कोई खास आगे बढ़ो। पोजीशन पार्टी लोग बोल रहे थे ना विकास का है, विकास का है। अनुष्का तुमने अटेम्प्ट किए क्या क्वेश्चन इसके? अभी नहीं किए। कर लेना, बहुत डाउटफुल चैप्टर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कोई और पूछना हो तो अपना आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आप इसमें बता देता हूँ तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन फंसेंगे वो लिख लो, इनके डाउट्स तो रखने ही पड़ेंगे। तीन और टेन वाला क्वेश्चन तुमसे हो सकता है फंसे, रैंक वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ और रैंक वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इधर पे तुम आगे देखो, 18 नंबर फंसेगा, 21 नंबर फंसेगा, यही पहले कर लेना। और 20 तो मैं करवा चुका हूँ मेरे ख्याल से, तुम लोग को 20 तो बेसिक काउंटिंग से हो जाएगा, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में। बाकी 33 भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन, 38 फंसेगा तुमसे एलसीएम वाला, वो भी अगर मतलब करोगे तो आ जाएगा समझ में, कुछ बेसिक ऑर्डर पे काउंट करने। बाकी हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल कहा था, कल डिफरेंट टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए था, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये हम लोग को अब पढ़ना है। एक एग्जाम्पल से करते हैं इसको, लिखना 5 आइडेंटिकल कॉपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 5 आइडेंटिकल कॉपीज, जो कॉपीज होती आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स, अमंग 3 स्टूडेंट्स सच दैट ईच रिसीव at least one copy, ठीक है ना, such that each receives at least
देने के लिए क्या करें, बेसिक से चालू करते हैं, दो दो एक, ठीक है ना, एक दो दो, एक 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 दो, पांच है ना, हाँ एक एक तीन तो पहले ही कंप्लीट कर लेते, ये कौन सा बचा भी बीच में, दो एक दो, और सिमिलरली एक तीन एक, एक एक तीन, तीन एक, इसके अलावा कौन केस रहेगा, पांच का छह है ना, ये केसेस टोटल केसेस कितने हो गए, पहला केस ये है, इस तरीके से बच सकते हैं, दूसरा केस ये है, तीसरा केस ये है, चौथा केस ये है, पांचवा केस ये है, छठवां केस ये है, दीज आर द सिक्स केसेस जो हमारे पे मैक्सिमम बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और केस नहीं रहेगा। तुषार कैमरा ऑन होने तुम्हारा, वेटिंग रूम में डाल दूंगा ना मैं तुम्हें। क्लियर है ना इतना? अल्टीमेटली देखो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग अगर बी वन वाले बॉल को स्मॉल बी वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी बॉल ले, बॉल की काउंटिंग है स्मॉल बी टू, इसकी स्मॉल बी थ्री है, what we are doing b1 plus b2 plus b3 we are making it to 5, clear it nahi in each and every case, to main kya bol sakta hu ki jo hamare paas 6 aa hai, so 6 are the different cases ya number of solutions of above equation such that b1 b2 b3 is greater than equal to 1, clear it nahi, एटलीस्ट दोनों मिल ही रही है। अब अगर जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे तो केसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं, बहुत ड्रास्टिकली बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि जीरो इधर आ जाएगा, टू इधर, थ्री थ्री टू एंड सो ऑन, वन फोर फोर वन, बहुत सारे केसेस हो जाएंगे और मैं आ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें हम मतलब दो तरीके के केसेस बन सकते हैं, एक जब ये एलिमेंट जो है बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री दे कैन बी जीरो, आइदर एटलीस्ट जीरो हो सकते हैं कि कोई भी ना दे, और अगर बोर्ड वन से स्टार्ट होंगे तो इतने केसेस होंगे, हमने बेसिक बनाया हुआ है, ठीक है ना, इसी को हम जनरलाइज करते हैं। ये वही है बैगर्स मेथड, हम लोग प्रूफ नहीं देखेंगे, मल्टीनोमियल का प्रूफ है, हम अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इसको देख करके क्वेश्चन कैसा करता है उस पर ध्यान देता है। आगे बढ़े, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन x1 plus x2 plus x3 से लेकर x r, अगर ये n के बराबर है तो इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितना रहेंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वन से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल अगर बोलता तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, अंतर दोनों बेसिक है, कोई को पता होना चाहिए आपको, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ अपर इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइनोमियल लगाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, मैं थोड़ा आपको हिंट दे ही देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ये कितना होता है एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, इसका सॉल्यूशन एक्स की पावर आर के, एक्स की पावर एन के, इसमें हाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, ऐसे लिख लो, ये जो आया है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन ए 1 माइनस x, इसके करस्पोंडिंग 1 माइनस x, किसके इसके करस्पोंडिंग, ये 1 माइनस x कहां से आता है कुछ आईडिया, मैं ये बोल रहा हूं इसका जो है a सब जोड़ करके n आना चाहिए, करेक्ट है ना, तो ये जो x1 है, x1 कैन टेक वैल्यू, इसको तुम अभी चाहे ऐसे ध्यान से समझ लो, क्या x1 जो है जीरो से लेकर कहां तक जा सकता है बताओ, जीरो से एन तक जा सकता है, और एक्स टू जीरो से एन, सबको समझ में आ रही है ये बात की, और एक्स एन भी या एक्स आर भी जीरो से लेकर एन तक जा सकता है, क्लियर, तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, ये जो एक्स वन है एक्स वन के स्थान पर मैं क्या लिख लू, जब इन सबकी वैल्यू होगी जोड़ करके, तो x1 को
नॉर्मली रिएक्शन के स्थान पे अगर हम इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना चाहे तो इस तरीके से हो सकते हैं, इसकी पावर जीरो आ रही होगी कभी मान लो एक्स के वेरिएबल की पावर, तो हम लोग एक्स वन की वैल्यू जीरो रख रहे हैं आप इसका मतलब, और प्लस एक्स की पावर कभी वन आ रही होगी तो एक्स वन की वैल्यू वन रख रहे हैं, इस तरीके से कहां तक जाएगी एक्स की वैल्यू एन तक जाएगी, क्लियर है कि नहीं बोलो। जब ये वैल्यू जो है ना, ये जो वैल्यू पड़ी हुई है ये सारी इसकी वैल्यू है एक्स वन जो पावर में लगी हुई है, इसका सम क्या होता है, इसका सम होगा एन टर्म्स का सम निकल लोगे, ठीक है ना। पर जनरली हम लोग क्या कॉल करते हैं कि हम इनफाइनाइट तक के कॉल कर ले रहे हैं सब, और उसमें जितने होंगे हमारे काम के वो अपने आप इसमें समा जाएंगे, क्योंकि सम तो टोटल एन से छोटा ही रहेगा ना, तो हम क्या करते हैं टोटल इनफाइनाइट तक जोड़ देते हैं इसको, लास्ट में डेस डेस इनफाइनाइट पे क्या आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स इसका सम जोड़ करके, तो ये एक के करस्पॉन्डिंग है वन अपॉन वन माइनस एक्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ वन माइनस एक्स के करस्पॉन्डिंग पावर माइनस वन, करेक्ट है। और ये इस तरीके की कितनी वैल्यूज है टोटल हमारे पास आर वैल्यूज है, ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, और इसमें से हम कौन सा कोफिशिएंट निकालेंगे जब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे अगले ब्रैकेट से अगले ब्रैकेट, जब सबका सम जोड़ करके क्या आएगा एन आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस एक्स की पावर माइनस आर, करेक्ट है ना, क्योंकि आर टर्म्स है ये वहां से आता है एन माइनस आर प्लस वन, और ये हम लोग ने निकाला है बाइनोमियल में अगर आपको याद हो तो एन प्लस आर माइनस वन, क्लियर है ना। इसका बेसिकली कोई प्रूफ पूछता नहीं, मतलब याद होना चाहिए, इसी को हम लोग पाइथागोरस मेथड भी बोलते हैं, ये आइडेंटिकल कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, पिछले वाले और इस वाले में डिफरेंस वन में है ना, वहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डाल रहे थे यहाँ पे आइडेंटिकल को, तो एग्जाम में आपको आइडेंटिकल नेम लिखा होगा उससे आपको समझना है, आगे बढ़े ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन है, और नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन और नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे इसी में, अगर वन से स्टार्ट हो रहा होता तो हमारा ये समीशन क्या आता, यहाँ पे एक्स की पावर वन से स्टार्ट हो रहा था तो ऊपर एक्स और आ जाता, यहाँ पे एक्स की पावर आर मल्टीप्लाई होता है इसमें, क्लियर है ना। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होंगे, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आगे बढ़े तो सर आगे बढ़े नमस्कार। यस सर, फाइनल नंबर ऑफ इयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइव कॉपीज टू थ्री स्टूडेंट सच दैट एनी स्टूडेंट any student can hold any number of copies, iska answer kya ho jayega uska, matlab jo hamara student hai wo zero copy bhi hold kar sakta hai, to usme hum log kaun sa wala formula apply karenge n minus 1 c r minus 1, r kitna ho gaya yahan pe 4 c 2 that means 6 है ना। और मान लो हम लोग का वो होता है कि कम से कम एक तो रखनी रखनी है, तो क्या होता अच्छा उसमें ज्यादा केसेस आते कि इसमें ज्यादा केसेस आते, तो ऐसा हो सकता है नहीं, नहीं ये जो हम लोग ने फॉर्मूला बनाया है
ये हम लोग ने कितने केसेस निकाले, छह केसेस निकाले ना, छह केसेस तो यही हुए ना, एन माइनस वन आर माइनस वन, आर कितना है थ्री माइनस वन, दैट मीन्स फोर सी टू, छह केसेस तो है, ये उसके लिए है फॉर्मूला हम लोग निकाला यहाँ पे, नंबर ऑफ ये नॉन नेगेटिव हो जाएगा, ये नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, क्योंकि इसमें ज्यादा केसेस आएंगे ना, क्या थोड़ा चेंज कर लेते हैं, गलत से क्या था, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंशन नहीं निकाला है ना इसका, ये उसी का होगा एक्स पावर आर का, बात समझे कि नहीं अनुष्का, ये हम लोग ने क्या किया था देखो, ये हम लोग ने लिखा था ग्यारह केसेस ज्यादा आएंगे कायदे से, ठीक है ना, पर इंटीग्रल में तो नंबर ऑफ केसेस कम आएंगे ना, जब जीरो कन्वर्ट करेंगे तो आएंगे ना ज्यादा केसेस, वही हो जाएगा, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल केसेस ये हो जाएंगे, और इंटीग्रल केसेस कितने हो जाएंगे, इंटीग्रल केसेस हो जाएंगे एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना फॉर्मूले, इसीलिए तो छह आ रहा है, वही क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन ना चेंज किया मैंने, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, जो मेन क्वेश्चन इसके लिए को बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर for x plus y plus z plus t is equal to 29 when x जो है that is greater than equal to 1, y greater than equal to 2, z greater than equal to 3 and t greater than equal to 0, सबकी वैल्यू रख वैल्यू रख दो कहाँ पे, यहाँ एक वेरिएबल में माइनस कर दो, वन माइनस टू माइनस थ्री, हाँ सब चेंज कर दे वेरिएबल को, हम अब ज्यादा सही है, आंसर बताओ कितना आ रहा है, कैसे करेंगे इसको, देखो ये वेरिएबल अलग वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये अलग से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा कुछ करें कि सारे जीरो से स्टार्ट हो, तो इनको क्या करो, एक्स माइनस वन को एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लो, वाई माइनस टू को एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लो, एक बार बताओ क्या आ रहा है आंसर, ये जेई का ही क्वेश्चन है, बाकी सब जीरो से बड़े ही रहेंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या हो गई, x1 plus 1, y की वैल्यू y1 plus 2 ऊपर रख रहा हूँ, y1 plus 2, और z की वैल्यू z1 plus 3, ये आएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा बताओ जोड़ करके, टू वन थ्री थ्री सिक्स, और ये सारे वेरिएबल कहां से स्टार्ट हुए, जीरो से स्टार्ट हुए, पर इंटीग्रल सॉल्यूशन चार्ट करने दैट मीन जीरो भी इंक्लूडेड है, क्लियर है ना, इंटीग्रल सोच लो नॉन नेगेटिव में जीरो, नॉन नेगेटिव में आएगा जीरो, तो ना नेगेटिव होता ना, हाँ वो तो सही है, पर इसमें एक्चुअली वो पूछे गए ना इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल में तो जीरो आना चाहिए, हाँ वही क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल जो होता है जीरो तो इंटीग्रल तो है, हाँ वही ना, आंसर क्या आएगा तो इसमें आएगा 23 प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस, तो नंबर ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 23 प्लस 4 माइनस 1 4 बता,
26C3 ना, ये यार एक बार चेक करना था चार लोग का। क्लियर है ना सभी को? आगे बढ़े। यस सर। डिवाइस प्रॉब्लम एक ही क्वेश्चन तो हम लोग सारा कुछ देखने का प्रयास करते हैं। इसमें फाइंड द डिवाइजर ऑफ 120 डिवाइजर ऑफ 120 120 के फैक्टर्स क्या होते हैं बताओ? इसके फैक्टर होते हैं 2, 3, 2, 5 टू थ्री टू फोर थ्री से ट्वेल्व इंटू टेन टू फाइव ए कितना होगा? 2 की पावर 3, 3 बार 1 कितने चार हो जाएंगे जो मतलब डिवाइड कर पाए इसे 1 तो सबको डिवाइड करता है ना तो 2 की पावर 0 सब में होगा इसमें कितना 3 प्लस 1 1 प्लस 1 5 प्लस 1 तो ऐसे याद करते हैं ना कि प्राइम फैक्टर्स बना लिए सारे और उनकी पावर जो है उनमें प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करके सारे मल्टीप्लाई कर दिए उतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? फोर इंटू टू इंटू टू कितना हो गया? 16। अब तुम्हें इसमें से बताने की इवन कितने होंगे ऑड कितने होंगे डिवाइजर्स सोचो जरा। 2 की पावर इसमें होनी चाहिए कितनी भी किसके लिए पहले इवन के लिए बोल इवन के लिए बोल रहे हो ठीक है 2 की पावर होनी सब लोग सोचना इवन डिवाइजर्स बात कर रहे हैं 16 में से कॉमन निकाल रहे हैं इवन कितने हैं मुझे आंसर बताओ 3 × 2 × 2 किसका हो जाएगा 12 हो जाएंगे सर ठीक है ऑड कितने होंगे सारे मतलब 1 भी होगा डिवाइजर 2 भी होगा 4 भी होगा 8 भी होगा इसलिए हम इनको 3 लिखते हैं यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है टोटल मतलब 4 जो लिखा हुआ है 3 + 1 = 4 ये 4 डिवाइजर्स हैं समझ रहे हो ना बहुत बढ़िया फिर आप इवन बताओ कितने होंगे बताओ अनुष्का इवन कितने आ रहे तुम्हारे इनमें से तुम बोलो तो सर जब तक अच्छा मैं 2 की पावर वाले होंगे जितने भी अच्छा, होंगे 2 की पावर कौन कौन से 1, 2, 3 होगा कि नहीं 2 की पावर जब 0 हो गया तो 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई होगा 3 और 5 से वो तो 8 निकल जाएगा ना पूरा पूरा यस सर तो 2 की पावर 0 ना छोड़ दे ये 1 छोड़ दे 1, 2, 3 इससे 3 ले ले और नीचे से तो बेचारा पूरे पूरे ले ही लो कितना है 12 तो ऑड वाले कितने हो जाएंगे 4 इवन अगर 12 है तो ऑड कितने हो जाएंगे डिवाइडर्स 4 मेरे को बता सकते हो और डिवाइजर कौन कौन से लिख करके जरा आप अपने मन में बताओ मैं पूछूंगा भी सब लोग सोच लो पहले क्योंकि रटोगे फिर भूल जाओगे एग्जाम में पर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लो टोटल 3, 5 और 1 का क्या क्या बनेंगे बताओ बताइए अनुष्का क्या बनेगा 1, 3, 5, 15 ठीक है इतना हमारे डिफरेंट डिवाइजर्स आ जाएंगे और नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5 नेक्स्ट 5 की पावर
नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5 अच्छा डिविजिबल बाय 2 पूछता तो वो इजी था ना क्योंकि इवन डिवाइजर है 8 जी सर 10 कितने होंगे 10 10 की 10 10 नहीं 10 नहीं होंगे 10 तो बहुत ज्यादा बता रहे हो टोटल ही 16 है तुमने कैसे किया कि 5 तो कम से कम रखना ही रहना है तो 5 की बाद 0 नहीं आएगा इधर पे 1 हो जाएगा कि नहीं बताओ 5 तो कंपलसरी आना ही आना चाहिए बाकी और कुछ आया चाहे ना है क्लियर है ना तो मैंने 5 की बाद 0 हटा दिया तो 2 आ रहे थे पहले 1 कर दिया और ये ऐसे थी तो इनको क्यों छेड़ रही हो 4 into 2 8 हो गया बस और क्लियर है कि नहीं 5 के साथ सारे कॉम्बिनेशन लिख दीजिए उसके तुम्हें समझ में आ गया तुषार आ गया सर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने होंगे नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर 14 हो गए इसमें थोड़ा सा वो है याद करने की चीज कि नंबर ऑफ प्रॉपर जो होता है डिवाइजर्स उसमें क्या होता है नंबर ऑफ प्रॉपर में टोटल हो गया 16 और माइनस से 2 घटा देंगे तो इम्प्रॉपर होते हैं इम्प्रॉपर कौन है नंबर इटसेल्फ नंबर जो होता है वो खुद एंड 1 ये तो होंगे ही होंगे ना लाइक डिवाइजर्स तो इनको हम लोग बोलते हैं नंबर जो खुद जैसे हमारे केस में 120 और 1 वो क्या है इम्प्रॉपर डिवाइजर्स तो टोटल हमारे हो जाएंगे 40 क्लियर है ये हमारा पूरा पोर्शन यहाँ पे एंड हो रहा था कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डिवाइजर नहीं सम ऑफ नंबर है ना अच्छा इनकी डिवाइजर्स का जो जोड़ पावर जैसे अगर मान लो निकालना हो तुम्हें सम ऑफ सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 120 कैसे निकालेंगे टोटल डिवाइजर हमारा 16 आ गया बताओ कैसे अलग अलग अब उनको जोड़ करके लिखना है सबको तो एक डिवाइजर क्या था 2 की पावर 0 एक था 2 की पावर 1 एक था 2 की पावर 2 और एक था 2 की पावर 3 ठीक है ना ये दूसरों से हाँ और प्लस प्लस के बीच में ब्रैकेट होगा ब्रैकेट होगा क्योंकि वो सारे मल्टीप्लाइड है एक्चुअली तो ताकि सारे जुड़ जाएं आपस में इनटू 3 की पावर 0 प्लस ये हमारा 3 की पावर कहां तक गया 1 तक गया तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इनटू 5 क्या है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तो ये क्या अलग-अलग फॉर्मूले मैंने लिखवा रहा हूं इसी के थ्रू आप समझ लो क्योंकि फॉर्मूले तो फिर नंबर्स अलग-अलग डालने पड़ेंगे ना डरावने दिखेंगे फॉर्मूले देखने में याद करने की बजाय ऐसा समझ लिया है दैट इज मोर बेटर लाइक दिस 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 8 तक गया फिर मल्टीप्लाई में दोनों डिवाइजर 3 वाले और तीनों दोनों 5 वाले लिख लिए ठीक है तो हो जाएगा आंसर इसका ये आ गया 4 और ये आ गया 6 12 और 3 15 360 आ गया नोट के लिए इसको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि हम लोग पहचानना सीख जाएं कि कौन से क्वेश्चन से क्या
इंटरप्रेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, नोट कर लिए इतना पोर्शन। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज can be distributed among two persons such that one have three things and another has one thing respectively. आंसर क्या है? फोर डिफरेंट थिंग्स है, चार में से आप बोल रहे हैं कि दो दो चीजें जो है, मतलब दो लोगों को चीज देनी है, एक को तीन देनी है, तो फोर सी थी, बचा कितना? एक बचा, एक दूसरे को दे दो, काम ही खत्म। तो वही वाला हो गया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वाला, जो है मैं एम प्लस एन प्लस पी फैक्टोरियल डिवाइड बाय एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। समझ रहे हो कि नहीं? अगर हमारे पास टोटल चार है चीजें, उनमें से हमें तीन चीजें एक आदमी को देनी है, फोर में से तीन चीजें एक आदमी को देनी है, और बची एक चीज एक आदमी को देनी है, तो क्या हो जाएगा इसका? चार में से तीन एक एक आदमी को देने का तरीका कितना हो गया? बोलो, फोर सी थ्री। तो दूसरे वाले को बची एक एक, और क्या बोला है? एन बी दो ग्रुप है। यस सर, बोलो, क्लियर है ना? मतलब इंटरप्रेट ऐसे तरीके से हम लोगों को करना है, क्योंकि अब टॉपिक लिखे होंगे तो समझ में आ ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इन हाउ मेनी वेज, 10 समोसे हैं हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज 10 समोसे, 10 समोसा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 स्टूडेंट्स। इनको मैं 3 स्टूडेंट को देना है, such that each student gets at least one samosa. Such that at least one student gets one samosa. पहले एक एक दे दो। Yes. कि अभी beggars method जो सिखाया है वो ना खा लो ना directly। हमने जो वन वन दे दिया, तुम जो बोल रहे हो कि हमने अगर जोड़ा तीनों स्टूडेंट के पास कितने समोसे होने चाहिए, तीन दस होने चाहिए, टोटल दस होने चाहिए, और हर एक स्टूडेंट कम से कम बेचारा एक समोसा तो खाने को पाया ही हो, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो जाएंगे, कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, इंटीग्रल होंगे क्योंकि वन से स्टार्ट है, ये वन से स्टार्ट है, तो इसमें नॉन इंटीग्रल डायरेक्ट जोड़ दो ना, मतलब कम वाले होंगे इसमें, ऐसा सोच लो, क्योंकि जीरो इन्वॉल्व नहीं है ना, तो कम वाले किसमें होते हैं, n-1 cr-1, आंसर कितना हो जाएगा इसका? 9C2।
36 तरीके से समोसे जो है बांट सकते हैं। आंसर इज 36 समोसे। आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखना फाइंड नंबर ऑफ स्कूल वेज टू पुट टू लेटर्स ए टू एनवेलप्स सच दैट each letter goes in wrong address. गलत मैसेज भेज गया दोनों को, ये तो आज के जमाने के हिसाब से होना चाहिए व्हाट्सएप मैसेज और भेजना है दोनों को, और such that each message is delivered to wrong person, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बदलना चाहिए जमाने के हिसाब से। क्या होगा तो सर बताओ, मतलब इसमें बेसिकली डी अरेंजमेंट लगना है, बट लाइक आई डोंट वांट कि अभी उन्होंने डिरेंजमेंट देख रहे हैं उसका मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा, आप डायरेक्टली बताओ नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो कैसा होगा आंसर इसका। एक ही तरीका होगा, हमारे पास लेटर वन है और पते दो है, पते दो को मैं एनवेलप बोल रहा हूँ E1 एंड E2, रॉन्ग पते भी लिखना है तो रॉन्ग पते में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेटर वन इधर डाल दें और लेटर टू इधर डाल दें, तो इधर डालेंगे लेटर वन तो बाई डिफॉल्ट लेटर टू इधर ही जाएगा। एक ही तरीका होगा कि नहीं, ये कोई और तरीका भी होगा बताओ, क्लियर है ना? इसको हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं क्या, डी अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। अब उसका फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ तो उससे भी आप कर सकते हो। यहाँ देख लो डी अरेंजमेंट, उन्होंने पढ़ाई किसी ने पहले डी अरेंजमेंट नहीं, फॉर्मूला तो पढ़ा है, मीनिंग आइडिया है ना इनका ऑलरेडी। अरेंजमेंट जैसा होता था कि सब कुछ अपने स्थान में रहे, डी अरेंजमेंट क्या है कि सबके स्थान चेंज हो जाए, उसके तरीके में पर आप अपने ओरिजिनल प्लेस पे ना गए, क्लियर है ना? तो डी अरेंजमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स सच दैट such that no article is in its right place is known as derangement of n things represented by dl. dl का formula होता है वो क्या होता है, n factorial 1 minus 1 upon n factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial last one minus 1 upon n 1 upon n factorial मतलब हमारा d6 निकालना है तो 6 निकालना 1 upon 6 factorial तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, क्लियर है ना? d6 की वैल्यू निकाल दो एक बार जरा, आपका कितनी आ रही है? मान लो हमारे पास 6 जो पत्र हैं और 6 पते हैं और कोई भी अपने ओरिजिनल पते पे नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? आंसर इसका d6 आएगा, d6 की वैल्यू निकाल दो बताना कितनी आ रही है।
हो गया नोट 6 वेक्टर का तरीका क्या है? 360 minus 120 240 और ये हो गया 30 माइनस 60 प्लस 1 तो ये 240 माइनस 30 210 प्लस 1 210 है ना बिल्कुल ही अलग है ये यार आप लोग कर लो एक बार कितना आ रहा है आंसर और कोई एक लोग निकाल के देख लो क्या है कैलकुलेशन सही करी ना देख लेने को तो फिर से डिवाइड करें मैंने गलत किया 24 ना सर 60 की जगह वो आएगा 6 6 आएगा यस सर वही कितना हो गया 24 25 265 आ रहा है ठीक है ना नोट कर लिया सबने ये क्या है डी अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर्स सच दैट No one goes to its original place. Clear है ना? आगे बढ़ते हैं. Standard है ना? 3000. Grid problems है. पहले तरीके के problems में क्या आती है? एक grid है आपकी. इस type की कुछ. हाँ? हाँ उस पर चलना है और शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस पे हमें पहुंचना है उसके नंबर ऑफ थ्री क्या बताने हैं ग्रिड जो है 1 2 3 4 5 6 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 5 की मान लीजिए ठीक है ना तो तुम्हें यहाँ से ओ से स्टार्ट करना है और ए को पहुंचना है सच दैट जो आर्क लिया हो आपने वो मिनिमम पाथ लिया हो ठीक है ना नंबर ऑफ वेज फॉर रीचिंग फ्रॉम ओ टू ए विद शॉर्टेस्ट पाथ ये होता क्या है कि हम लोग हॉरिजॉन्टली कितनी मूव करेंगे वर्टिकली कितना मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर रहे हैं यहां से यहां तक जाने के लिए ए तक हॉरिजॉन्टल होता है यानी डिस्टेंस कितनी हो गई 5 है 5 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितनी है 6 ऐसे लिखो 5h 6v 6v तो जो इसका आंसर आता है वो क्या आता है 5 प्लस 6 11 हो गया 11 सी 5 या 11 सी 6 कुछ भी लिख लो बात बना बड़ी है क्लियर है कि नहीं ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 सी 5 11 सी 5 अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया मान लो और फिर पीछे हो गया ठीक है ना तो शॉर्टेस्ट तो नहीं होगा ना हमें शॉर्टेस्ट नहीं रहा है शॉर्टेस्ट तो एक सबसे बड़ा ये वाला होगा जो पहला वाला ठीक है ना सिमिलरली आप ऊपर बढ़ा लो जैसे मान लो यहाँ से चलते हैं हम यहाँ से चलते फिर यहाँ से इस टाइप से कुछ आप दो काउंट कर देगा टोटल इस तरीके से वेज है जो यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं अगर हमें लॉन्गेस्ट निकालना हो तो लॉन्गेस्ट स्ट्रेस निकाल के कि टोटल की है वहां से वहां तक सबसे दूरी सबसे लंबी दूरी कौन सी होगी लंबी दूरी कौन सी होगी लंबी दूरी तो यहां से ये सीधे
लंबी का तो कोई वही नहीं ना लिमिटेशन ही, इतने भी चक्कर मार दो अंदर। आगे बढ़े, ये तुम लोग सोच बताना होमवर्क तुम्हारा। फाइंड द नंबर ऑफ बेस सच दैट इट रीचेस फ्रॉम द ओ टू ए इन द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी में कुछ प्रॉब्लम ही है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। नंबर ऑफ स्क्वायर का इंच का नंबर ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स हर साइज के, हर साइज के स्क्वायर्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल इन 8 क्रॉस 8 चेस बोर्ड। सिग्मा i से लेके 8 तक एलिस ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है चलो अब देखते हैं बाकी लोग, बाकी लोगों को भी करना है। रेक्टेंगल में तो आप अपनी कॉपी में लिखो, मैं आ रहा हूं। 8 लाइन है, 2 लाइन इसमें से, 8 सी कितनी लाइन है टोटल? 8, ये तो 9 लाइन होती है। लाइन तो आती है 0.9 को बना लो एक बार सुन ऐसे होंगे ना केसेस बहुत सारे। क्लियर है ना, अपनी कॉपी बना लिया। ठीक है ना, तो अब तुम्हें 1 क्रॉस 1 के मान लो स्क्वायर निकालना है। 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर को पहला वही है नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स लेंगे पहला 1 क्रॉस 1 साइज, 1 क्रॉस 1 को मिलेगा 1 क्रॉस 1 ये वाला एक क्यूब लेंगे, इसका एक इसका एक क्यूब ये एक, ये पहली लाइन में 1 क्रॉस 1 के कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी लाइन में सभी में 8 है, तो हर लाइन में कितने हो गए? 8 + 8 + 8 से लेकर हर लाइन में 8 ही तो है स्क्वायर 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 ही छुटका सा स्क्वायर ये वाला सर। नीचे अगर लेंगे नीचे अभी तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, तुम चाहे उधर से काउंट कर लो चाहे उधर से काउंट कर लो, बार बार बराबरी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 8 है पहली लाइन में, दूसरी एक साइड से लेते जा रहे हैं। हाँ 8 8 8 8 कितने हो गए? 64 हो गए। 8 × 8 क्लियर है कि नहीं? यस सर। आया आपको कुछ समझ में? ठीक है नेक्स्ट बताओ, 2 क्रॉस 2 के कितने होंगे? 2 × 2 का तो ऊपर से एक लाइन ले लेंगे। हाँ 1 2 3 4 7 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होगा भी 7 को 8 होगा। ये हो गया पहला, ठीक है ना, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवा, ये हो गया सातवा। 7 इधर रहेंगे हर लाइन में, 7 होगी कि नहीं बोलो? तो 7 इन द्वारा होना चाहिए ऐसे। हाँ जो ये एक लाइन हमें यहाँ यहाँ पे हम लोग को बढ़ेगी, ये इधर से तो 7 ही आएगी, 8 कहाँ आएंगे? इधर भी तो 7 ही आएंगे ना, क्लियर है कि नहीं? तो ये भी 7 आएंगे, तो ए 1 2 क्रॉस 2 के कितने होंगे? 7 × 7। इसी तरीके से लिख सकता हूँ मैं 3 × 3 साइज के, 6 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
वन क्रॉस वन साइज का एक सबसे बड़ा वाला होगा वो क्या हो जाएगा n plus 1, 2n plus 1, 2 into 8, 16 plus 1, 17 हो गया, ठीक है ना? तो 4 upon 3 हो गया into 9, into 17, clear है ना? आंसर निकालना कितना रहा है इधर? अपनी कॉपी सही है ना कैलकुलेशन 204 170 प्लस 34 204 बिल्कुल सही है क्लियर है ना अब हमें रेक्टेंगल निकालने हैं बताओ रेक्टेंगल कितने का तो पैरेलल लाइन ले लो ऊपर से इधर और नीचे ठीक है ना देखो बिल्कुल सही बताया उन्होंने उसने ऐसा बताया कि सर दो पैरेलल लाइन ना ले लो उसको बस थोड़ा करेक्शन है बात करने में 9 पॉइंट्स हमारे पास ठीक है ना तो 9 में से कोई भी दो पॉइंट चूज कर लिए करेक्ट है ना दो पॉइंट चूज कर लिए मान लो 1 और 3 चूज कर लिए तो ये हमारे हाथ में है अब ये साइड पूरी हाथ में आ गई साइड लेंगे ना साइड के साथ दिक्कत क्या है अगर आप 8 साइड है 8 में से दो साइड उठा रहे हो ना एक पर चला यहाँ पर उठ गई और एक इधर पे हवा में दूसरी साइड तो हम रेक्टेंगल जोड़ ही नहीं पाएंगे दूसरा क्योंकि अभी इधर भी तो एक साइड लेनी पड़ेगी ना तो इसलिए सबसे अच्छा है पॉइंट उठाओ टोटल तो टोटल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बल्कि रेक्टेंगल भी ना बोले rather we say that total number of quadrilateral कितने होंगे उसमें square automatically included होंगे friends ये वाली जो lines ये कितनी line है तो 9 line हाँ वही कर रहे हैं तो 9c2 into 9c2 वो आएंगे total quadrilateral rectangle नहीं होंगे rectangle भी होंगे square भी होंगे मिले हुए होंगे हाँ नहीं मतलब मैं एक बात मैं बता रहा हूँ कि उसमें जैसे मान लो अगर question पूछता कि number of rectangles जो square नहीं है तो हम फिर टोटल में से क्या करते सब ट्रैक कर देते स्क्वायर क्लियर है ना देखो अब इसने क्या बोला कि हमें टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने क्लियर है ना किसी भी साइज के हो सकते हैं मैंने क्या किया नौ पॉइंट आप असाइन कर लिए अब नौ में से कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो एट अ टाइम इधर से और इधर से दो पॉइंट चूज कर लो कहीं से भी क्लियर है ना उन दोनों को ज्वाइन कर दो 9c2 into 9c2 वो हमेशा क्वाड्रिलेटरल बनेगा एक मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल मान लो ये दो पॉइंट आया 1 और 4 तो ये साइड आ गई और सिमिलरली यहाँ पे आया 1 और 6 तो ये मिला करके क्या हो जाएगा ये वाला रेक्टेंगल बन जाएगा 4 क्रॉस 6 का कितने का भी है 3 क्रॉस 4 का है 3 क्रॉस 5 का क्लियर है कि नहीं तो टोटल नंबर ऑफ इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल या टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल लिखो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो फिर तो और अंदर चले जाओगे क्वाड्रिलेटरल में वो भी आने लगेंगे ना ट्रेपेजियम वगैरह अंदर घुस करके तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ ऑल साइजेस तो रहेंगे 9c2 into 9c2 कितना हो गया 9 into 8 upon 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1296 36 का होल स्क्वायर और लास्ट वाला बस एक और पॉइंट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच आर नॉट ए स्क्वायर इसका एक पोर्शन भी 66 नंबर तुम्हारी शीट में उसमें 8 क्रॉस 7 वो वाला तुम्हारा होमवर्क है तुम करके लाओगे इसी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलरली है बस उसमें साइज डिफरेंट कर दिया हमने 1296 माइनस कितना हो जाएगा कितना आ रहा कितना
क्लियर है, सामने आया तुम लोग को एक टॉपिक देखो इसके क्वेश्चन मैंने आपको बोला आप लोगों का टाइम कम है तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाओ इधर उधर से मटेरियल से, पर कम से कम पीवाईक्यू जरूर कर लो, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क यही है क्योंकि बाद में भी आप वही करोगे फिर परेशान हो गए जब अंत में आपको लगेगा कि सिलेबस छूट रहा है तो हम क्या करें, सबसे पहले पीवाईक्यूज करें। तो इसलिए अभी फरवरी तक का एटलीस्ट प्लान यही रखो कि हम जल्दी से जो सिलेबस करते जा रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर पूरे कंप्लीट करते रहो। हम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए होगा एक महीने पहले, मैं आपको एक वो दूंगा मटेरियल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, मतलब पूरा पूरा हर एक टॉपिक का। तो रिविजन सीट्स रहेंगे एक तरीके से, तो उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो आ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इधर उधर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके रादर मतलब वही ना मेन चीज पर अपना टाइम लगाए वो ज्यादा सही है क्योंकि टॉपिक्स तो फिर बहुत ज्यादा है। इसमें हम लोग का जो टॉपिक छूटा हुआ है आप मान लो वो पूरा छूटा हुआ है, नंबर वन टू इंटू फंक्शंस, ठीक है ना, बड़े बड़े टॉपिक हैं सारे, ठीक है ना, और प्लस इंक्लूजन एक्सक्लूजन पूरा बचा हुआ है, ठीक है ना। तो वही चीज है, ये ऐसे टॉपिक है रात ही मतलब वही है ना खत्म नहीं होने वाले, पर हम वही पढ़े जिसमें नहीं मेंस वाले हो गए सारे, मेंस में भी छोटा कुछ भी, ये ग्रिड वाला था वो भी मैंने करा दिया, वो भी ग्रिड के क्वेश्चन कम ही आए नहीं है क्वेश्चन, अगर आएगा ज्यादा ज्यादा तो आपको स्क्वायर पूछेगा, स्क्वायर सिंपल याद कर लो सिग्मा आई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ओके तो बाकी यार तुम लोगों को कोई डाउट होगा तो आप पूछना, वरना मेरे ख्याल से हम लोग आगे आगे स्टार्ट करते हैं इसकी डाउट क्लास एक दो दिन बाद अलग से कभी रख लेंगे, कल से स्ट्रेट लाइन करें स्टार्ट ना, स्ट्रेट लाइन सर्किल एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला ये है लाइन से वही है, और ये 30% लाइक मेजर पोर्शन कवर करता है जो ज्योमेट्री का, और ये उसका बेस भी है 3D ज्योमेट्री का, ठीक है ना, और इससे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लिटरली आसान आते हैं, अभी रिसेंट में तो जब से NTA बना रही है पेपर बहुत ही ज्यादा आसान आ रहे हैं मैथ्स का क्वेश्चन इसके, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे तो भी हम कर सकते हैं बहुत आराम से, बट हम पढ़ेंगे मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें तो कम्प्लीट करेंगे ही करेंगे। कोई ऐसा टॉपिक अभी तक में जो हम लोग का अलजेब्रा ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना आज, अलजेब्रा 11th वाला अभी सिर्फ 3D वो बचा है ना मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, तो मैं ऐसा कोई टॉपिक लगाऊं कि सर मुझे इसकी और डाउट क्लास चाहिए रिविजन क्लास चाहिए बताओ, तुम्हें अनुष्का है कोई डाउट, क्या बोल रही हो तुम? अच्छा ठीक है ना, बाकी पेपर का डिस्कशन हम लोग फ्राइडे को रखते हैं, फिर फ्राइडे फिक्स कर लेते हैं। अच्छा फ्राइडे को छुट्टी है, हाँ फ्राइडे को हम लोग कर लेते हैं क्लास, ठीक है ना, फ्राइडे को आधे पौन घंटे का कर लेंगे, डिस्कशन ही तो करना है पेपर का, वो हो जाएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वही है। बाकी हम लोग फिर कल से स्टार्ट करते हैं, आप ये शीट पूरी कंप्लीट कर लेना, आप बोलोगे तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरी शीट का, तो अब वो भी उससे भी मैच करा सकते हैं। बचे ही कितने क्वेश्चन, मोस्टली तो हम लोग ने 67 तो हो ही गया था, मेरे क्वेश्चन पीवाईक्यूज बचे हैं और ये बचा है, बीच के 30-40 क्वेश्चन बस, ठीक है फिर यहीं से हम लोग पिक करेंगे, कल से हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे कंप्लीट कर लीजिएगा, पीवाईक्यूज पूरे कर डालना बस इतना कर लेना, ठीक है ना, इनके डाउट हम लोग एक दो दिन में रखता, चलो फिर एंड करते हैं, बाय।